हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। भाई मेरा नाम है यादिंदर चौहान, एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो भाइयों इस वीडियो में हमारे सामने खड़ी है टोयोटा की, आप देख पा रहे हो टोयोटा की ब्रांडिंग है, पर आपको अर्टिगा जैसी लग रही होगी ना भाई, अर्टिगा नहीं है ये, रोमियो नाम है इसका। ये टोयोटा ने लॉन्च किया है भाई, क्योंकि एक इनमें वो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट सुजुकी में और टोयोटा में कि भाई हम आपकी गाड़ी भी सेल कर सकते हैं लोगो लगा के, जैसे कि इनविक्टो लॉन्च की थी ना भाई नेक्सा वालों ने, तो वो ऐसे ही की थी। अब ये टोयोटा वाले भी क्यों पीछे रहे, ये भी छोटी वाली इनोवा आपके सामने आ चुकी है, जैसी भाई ग्रिल इनोवा जैसी है। तो अब गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं बिना कोई लेट किए हुए। भाई सबसे पहले आप हेडलाइट की यूनिट देख सकते हो, प्रोजेक्टर आपके पास है, ये आपको सिंपल हाई बीम का बल्ब मिलता है, और ये इंडिकेटर का ग्रिल आप देख सकते हो, काफ़ी मतलब प्रीमियम है इसमें, पियानो फिनिश में है और टोयोटा का लोगो है, और नीचे आप आओगे तो फॉग लैंप आपको मिल जाता है, और क्रोम के फिनिश आपको यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक पूरी मिलती है दूसरी लाइट तक, और सेकेंडरी आपको यहाँ पे भी क्रोम मिल जाता है, ब्लैक इस पार्ट नीचे ताकि कोई स्क्रैच वगैरह लगे तो आपको इजीली विजिबल ना हो। तो भाई आप साइड में लुक में आ जाते हैं, एक बार साइड लुक से बात कर लेते हैं। आपको ORVM पे ये मिल जाता है इंडिकेटर। भाई मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ऑटोमेटिक वेरियंट है, टॉप वेरियंट है, दो ही वेरियंट आते हैं इसमें, बेस और टॉप, ठीक है भाई। यानी आपको प्रॉपर ऐसा नहीं मिलेगा कि ये प्रॉपर ऐसा नहीं मिलेगा, छोटा वाला वेरिएंट ई नहीं मिलेगा, मिडिल के ही दो वेरिएंट मिलते हैं जो आपको अलॉय भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अलॉय आपको ये दिखा देता हूँ 185/65 R15 88H, यानी ये स्पीड है भाई 88 जितनी स्पीड तक टायर है, यानी आप अपन को तो ये पकड़ना है R15 का, तो यानी R15 का टायर, डायमंड कट और डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, और साइड से आ जाता है आपको ये सेंसर मिल जाता है। तो भाई ये आपका टो मॉडल तो सेंसर तो मिलेगा, कीलेस एंट्री, क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं, क्रोम बीडिंग आपको आगे से पीछे तक मिल जाती है, डायमंड कट्स अलॉय पीछे वाले भी हैं सेम, और साइड से आप बता भी नहीं सकते कि ये टोयोटा की गाड़ी है, बिना लोग अगर लोगों को ढक लिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा, पर कोई बात नहीं। अब मैंने आपको फुली इंफॉर्मेशन दे दी गई है, IGM ये भाई टोयोटा की वो है डीलरशिप, उसके लिए लगाया गया है IGM। ये भाई नियोन DR Drive V, यानी V वेरिएंट है, V वाला वेरिएंट है ये रोमियोन, इसकी बेजिंग जो जिसका गाड़ी का नाम रखा गया है। पीछे आपको सिंपली ये वाइपर मिल जाता है, डिफोगर दिए गए हैं, स्टॉप लैंप, वॉशर और टेल लाइट की यूनिट बिल्कुल सेम है भाई आपकी, बिल्कुल सेम देख पा रहे, LED मिलता है, ये दो हेलोजन बल्ब मिल गए आपके, इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग है, और ये रिफ्लेक्टर आपको दिए जाते हैं, पार्किंग सेंसर चार मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है भाई। आपको ये थोड़ा स्किप प्लेट टाइप आपको पीछे भी दिया जाता है, आ जाओ भाई अब साइड से बात कर लेते हैं। यहाँ आपको मिल जाती है फ्यूल टैंक की ओपनिंग, सेम क्रोम पैंडल यहीं पे मिलते हैं, को ड्राइवर साइड भी आपको ये सेंसर मिल जाता है कीलेस एंट्री वाला। तो आप गाड़ी में अंदर आ जाए, अंदर से बात करते हैं भाई, बैठ यहीं से बैठ, मैं अंदर से बैठता हूँ एक मिनट, ठीक है भाई। सबसे पहले इसकी मैं चाबी दिखा देता हूँ, अंदर आते ही कीलेस एंट्री है, यूज़ करोगे उसको, और ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो भाई ब्रेक दबा के इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबा लो। अब मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ एक, ठीक है भाई, ये देखो आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपका यहाँ प्लेस मिल जाता है, और ये आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स ऑटोमेटिक्स मिलते हैं, यानी ऑटो पे कर दोगे तो रात को अपने आप चल जाएंगे, और ये आपको वाइपर्स के है भाई, रियर का वाइपर का भी कंट्रोल है, तो रियर का वाइपर के कंट्रोल के साथ आपको ये दिया गया है, जैसे जैसे वो चल पड़ा भाई रिवर्स का, ठीक है। और ये आपको फ्रंट से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आ रही है, आगे से देख पा रहे होगे, ये अंदर से आप देखोगे तो टैकोमीटर 0 से 8 तक मिल जाता है, और ये आपको पेट्रोल वेरिएंट है तो मिल जाता है, ये आपको स्पीडोमीटर 220 तक मार्किंग दी है, फ्यूल भाई ये गेज दिया गया है, ये टेम्परेचर का दिया गया है, आपके जो MI ये देख पा रहे हो ना, ये ऐसा मत छोड़ना कि एवरेज दिखा रही है 3.4, ये खड़ी रहती है इसलिए भाई टेस्टिंग व्हीकल है उसके पर्पज से दिखा रही है, और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे, ये ट्रिप का जो नीचे का चेंज हो रहा है ये ट्रिप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और ये वाली दूसरी साइड से आप ये कर सकते हो चेंज मल्टी डिस्प्ले, ठीक है भाई। और स्टेयरिंग पे आपको ऐसा कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के, ट्रैक वगैरह के, म्यूट वगैरह के मिल गए, एच टिपिकल मारुति में जो आते हैं भाई, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है, पैडल शिफ्टर दिए गए भाई ऑटोमेटिक है तो, ठीक है। और अब आ जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की साइड, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ मिल जाता है, ये सिंपल आपको चेकर इस पे भाई डिटेल में तो क्या बात करेंगे। एक बार मैं रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखा देता हूँ आपको, कुछ
हो तो रिवर्स पार्किंग कैमरा देख भाई, गाइडलाइन नहीं है ये, सिंपल आपको सिंपल वाला मिलता है, ठीक है। ये आपको हैजार्ड लैम्प का स्विच मिल गया, ऑटोमेटिक एसी ब्लोवर के साथ ये टेम्परेचर सेट कर सकते हो, और फ्रंट और रियर के डिफोगर ऑटो का और रिसर्कुलेशन का ऑफ कर सकते हो। स्पेस चेक कर लेते हैं कुछ स्पेस, दो कप होल्डर, एसी वेंट्स है भाई, आप यहाँ मतलब एसी वेंट्स के कूलिंग रह सकता है, यहाँ पे कूल कर सकते हो इनको। और ये आपके 12 वोल्ट का सॉकेट मिल गया, यूएसबी मिल गया, ठीक है भाई। और हैंड ब्रेक आपको ऐसा कुछ मिल जाता है मैनुअल, ये आपकी छोटी सी कभी सी आर्म रेस्ट है। ये बात कर लेते हैं ग्लव बॉक्स की, ठीक है भाई, अच्छा ग्लव बॉक्स दिया है। स्पेस एसी वेंट्स, चार एसी वेंट्स मिल गए। स्टेयरिंग का बता देता हूँ, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें। और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप, अट्रैक्शन ऑफ का, ऑन का। अब आ जाते हैं पावर विंडो पे, वन साइड डाउन मिलती है, आप चेक करें अब भी है भाई, एंटी पिंच भी होगा आप है तो। ये आपको लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट मिलती है, फोल्डेबल आपको अंदर से ही मिल जाते हैं। लॉक और अनलॉक का, और ऐसा तो कुछ अब फीचर बच नहीं गया जो आगे रह गया हो भाई मेरे हिसाब से। ऑटोमेटिक है तो दो पैडल मिलते हैं आपको, ये ब्रेक का, एक्सीलेटर का, और सिंपल सा PRND और मैनुअल में चला सकते हो, मैनुअल का जो आपका आता है पैडल शिफ्टर के साथ। अब चल देते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं प्रॉपर, ये चेक करेंगे इसको सेवन सीटर है या नहीं, आपको इसमें दिखा दूंगा, सीट्स गिरी हुई है, ठीक है भाई। हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, डिक्लाइन मिल जाता है जो ये आप देख पा रहे हो फिलहाल, और आपको आगे पीछे मिल जाती है करने को, कर सकते हो एडजस्टमेंट। स्पीकर आपको एक ये मिल जाता है, एक वो मिल जाता है, ट्विटर आपका एक ये मिल जाता है, एक वो मिल जाता है। अब चलते हैं पीछे से बात करें भाई, एक बार पीछे बैठूंगा, कितना कुछ स्पेस है। अब ये आपको स्पेस मिल जाता है, सीट मतलब एडजस्टमेंट तो नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से आगे स्पेस ठीक आप देख सकते हो, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको ऑफर करती है। लेग रूम, थाई स्पोर्ट सब कुछ अच्छा है। हेड रूम मैं चेक कराऊँ आपको एक बार, ये देखो भाई हेड रूम काफ़ी अच्छा हेड रूम है। एसी वेंट्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं, ये दिए गए हैं, यहीं से आप स्पीड बढ़ा सकते हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, स्पीड की फैन कर सकते हो भाई। और ये आपको बोतल होल्डर, स्पीकर, पावर विंडो का स्विच, और काफ़ी अच्छी वाइड ओपनिंग दी गई है भाई। और मैं बताऊँ अगर भाई टंबल करनी हो ना, ये आपको टंबल तो नहीं होगी, ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली रिक्लाइन हो सकती है, टंबल आप वहीं से कर सकते हो। मैं अभी पीछे भी जाके दिखाता हूँ, पहले इसका बूट स्पेस चेक कर ले, या थर्ड रो ही चेक कराता हूँ भाई, मैं सबसे पहले थर्ड रो चेक कराता हूँ, एक मिनट मैं थर्ड रो चेक करा देता हूँ भाई। यहाँ से उठाऊँगा ना इसको, ये जो आपको दिख रहा, ये यहाँ से तो नीचे गिर जाएगी, एक ये यहाँ पे देखो पुल का दे रखा है, ये आगे हो गई भाई ये स्लाइड, तो इसको उठा के एक बार मैं पीछे भी जाके दिखा देता हूँ आपको इंग्रेस एग्रेस कैसा मिलता है। ये भाई आपके इंग्रेस एग्रेस विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, मैं पीछे करूँ इसको, ये भाई आप पीछे भी कर सकते हैं, एक मिनट इसको पीछे करना भाई, पीछे तो देखो ये मुश्किल हो रही है, बर करियो पीछे करियो, हाँ बस एक बार भाई पीछे हो गई, ये नीचे से होती है पीछे एडजस्टमेंट। और ये आपको एक लैंप यहाँ पे मिल गया, ग्रैब हैंडल पीछे भी दिए गए, ये आपको कोई जैसे कोई आप कॉफ़ी वगैरह पी रहे हो उसके लिए आपको रखने के लिए दिया गया है। बेल्ट आपको दी गई है यहाँ पे, फोल्ड भी कर सकते हो, ये वाली सीट फोल्ड है, अभी मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ, एक अनफोल्ड और एक फोल्ड हुई। अब चलते हैं भाई बाहर की साइड, लेग स्पेस सही, लेग स्पेस भाई बिल्कुल आपने सही टॉपिक पूछा, लेग स्पेस दिखाऊँ मैं, ये देखो भाई लेग स्पेस तो बच्चे वाली जर्नी हो सकती है, प्रॉपर एक अडल्ट तो नहीं जा सकता, ठीक है। हेडरूम चेक कर लो भाई, थाई स्पोर्ट जीरो, मिसिंग आउट एक ये होगा भाई, मैं भूल गया था 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ दिया गया है, ये देख पा रहे हो आप 12 वोल्ट का, हाँ ठीक है भाई। चलो तो अब चलते हैं आगे की साइड, यहीं से आपको आगे किया, आगे तो यार ये यहीं से हो रही है, एक बार मैं ऊपर से उठा लेता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं एक बार मैं डिग्गी और दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ बूट स्पेस मिलती है। ये आपको हाइड्रोलिक्स मिल गए, एक सीट फ्लैट आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक आपकी स्टैंडिंग है यूज़ के लिए आप बैठा सकते हो बच्चे को भी किसी को भी। ये स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, हिडन स्पेस है भाई, देख सकते हो ये दिया गया, ये टूल किट वगैरह हो गई, स्पेयर टायर आपको नीचे मिल जाता है,
ये आपको नीचे मिल गया, अलॉय व्हील नहीं है भाई, स्टील रिम मिलता है 1 इंच छोटा, यानी R14 का मिल जाता है। आप कर देते हैं बंद इसको सिंपली, ठीक है भाई। सारे फीचर्स हो गए, मैंने लगभग आपको सारे फीचर्स बता दिए। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और ऐसी न्यू अपडेट्स की रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और IJM टोयोटा का भाई धन्यवाद बोलता हूँ, उन्होंने गाड़ी अवेलेबल कराई जल्दी से जल्दी और मैं शूट कर पाया। और जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ ना भाई, वह नीचे फ्लैश कर रहे होंगे, उन पर आप बुकिंग की और गाड़ी लेने की डिटेल्स पूछ सकते हो। धन्यवाद।